आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं कि ग्रीष्मावकाश के बाद 25 जून से हमारे विद्यालय पुनः खुल रहे हैं और ऐसे में मानदेशक स्कूल शिक्षा परिषद नरोपा जी का नया आदेश जारी हो चुका है और इस आदेश में उन्होंने विद्यालय की टाइमिंग क्या होगी, समर कैंप की स्थिति क्या होगी, इसके अलावा विद्यालय में जो रजिस्टर्स हैं उनके डिजिटाइजेशन की स्थिति क्या होगी, इन सारी महत्वपूर्ण बातों पर इस आदेश में उन्होंने चर्चा किया है। आदेश थोड़ा लंबा अवश्य है लेकिन महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई है। आइए इस आदेश को देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ उन्होंने नया दिया है। और इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों महानिदेशक महोदय का आदेश अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये आदेश मंडली सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात कर लें तो 18 जून 2024 यानी आज ही के डेट में आदेश जारी किया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय पुनः खुलने पर छात्र छात्राओं के नामांकन वृद्धि तथा नियमित उपस्थिति हेतु स्कूल चलो अभियान द्वितीय चरण के संचालन के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। दोस्तों इस आदेश में आप देख पा रहे बताया गया है कि आप अवगत हैं कि भीषण गर्मी एवं लू के दृष्टिगत ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालयों का संचालन दिनांक 28 जून 2024 से किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। विद्यालयों का वातावरण छात्र छात्राओं के लिए आकर्षक एवं अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में पठन पाठन आरंभ होने के पूर्व ही छात्र छात्राओं को एक स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराए जाने हेतु विद्यालय स्तर पर विभिन्न तैयारियां कर ली जाएं। चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण सृजित करने हेतु विद्यालयों की रंगाई पुताई, साफ सफाई, गुब्बारे, झंडिया तथा रंगोली बनाकर साज सज्जा से विद्यालयों में एक उत्सव जैसा वातावरण सृजित होगा। विद्यालय आने पर बच्चों का स्वागत किए जाने से बच्चों में एक विशिष्टता का भाव एवं विद्यालयों से लगाव उत्पन्न होगा, जिसके फलस्वरूप विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति तथा पठन पाठन आदि गतिविधियों में सक्रियता एवं रुचि विकसित होगी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 28 जून 2024 से विद्यालय पुनः खुलने पर विद्यालयों को बच्चों के अनुकूल तैयार करने हेतु दिनांक 25 जून से अध्यापकों को विद्यालय आना अनिवार्य होगा। ग्रीष्मावकाश में विद्यालय बंद रहने के उपरांत पुनः खुलने पर प्रथमतः परिसर गंदा मिलेगा, अतः दिनांक 25 जून से 27 जून 2024 तक परिसर की समुचित साफ सफाई कराते हुए विद्यालय को सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाएगा। घास फूस एवं जंगली पौधों की साफ सफाई कराई जाएगी। कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, TLM, पुस्तकें आदि की साफ सफाई कराई जाएगी। भंडार कक्ष, पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाएगा। दिनांक 28 जून को विद्यालय को फूल, पत्तों, रंगोली, झंडियों, गुब्बारों आदि से सजाया जाएगा और विद्यालय आने वाले बच्चों को रोली टीका लगाकर स्वागत किया जाएगा। उस दिन मध्यान्ह भोजन में बच्चों के लिए रुचिकर हलवा, खीर आदि बनाया जाएगा। दिनांक 28 से 29 जून 2024 के मध्य विद्यालय प्रातः 7:30 बजे से 10 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इस दौरान विद्यालय स्तर पर समर कैंप आयोजित कराया जाएगा जिसमें निम्न कार्यक्रम गतिविधियां संचालित की जाएंगी। तो दोस्तों यहां समर कैंप के डेट को देख सकते हैं आप, 28 और 29 मात्र अब 2 दिन समर कैंप आयोजित करने की बात यहां की जा रही है। गतिविधियां क्या होंगी आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहले दिन में बताया जा रहा है प्रसिद्ध प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पर्यावरण के संबंध में जागरूक करते हुए समर कैंप का आयोजन कराया जाए, तत्संबंधी सुझावात्मक गतिविधियों की सूची संलग्न है। अगले पेज पे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ दूसरे बिंदु में बताया जा रहा है कि बच्चों को विद्यालयी वातावरण से सहज होने तथा भावात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के साथ ही पठन गतिविधियां कराई जाएं। बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालयों में उपलब्ध कराई गई लाइब्रेरी बुक्स पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाए। तीसरा बिंदु बताया गया है कि अध्यापकों द्वारा DBT हेतु छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज करते हुए उनका आधार सत्यापन किया जाए। नेक्स्ट चौथे बिंदु में बताया गया है कि पंजिकाओं के सरलीकरण तथा टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल माध्यम से व्यवहारित किए जाने हेतु प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर्स नाम से नया मॉड्यूल विकसित किया गया है। तत्क्रम में समस्त परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दिनांक 25 जून 2024 से छात्र उपस्थिति पंजिका एवं MDM पंजिका को डिजिटल रूप में ही व्यवहारित करते हुए सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। अगले बिंदु में बताया गया है कि माता पिता, अभिभावक समुदाय के लोग एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ विद्यालय स्तर पर एक बृहद बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में क्षेत्र के बच्चों का 100% नामांकन तथा विद्यालय में नामांकित बच्चों की नियमित उपस्थिति चर्चा कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाएगा। बैठक में विभागीय कार्यक्रमों गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बैठक में शिक्षा के महत्व, बच्चों के नामांकन तथा नियमित उपस्थिति, होम बेस्ड शिक्षा, निपुण लक्ष्यों, सामुदायिक सहभागिता, ऑपरेशन कायाकल्प, बालिका शिक्षा, दिव्यांग बच्चों, गुणवत्ता परक शिक्षा आदि विषयों पर जागरूक कर लाभकारी प्रयासों को जन समुदाय तक पहुंचाकर जन आंदोलन का वातावरण सृजित किया जाएगा। साथ ही शिक्षा की नई तकनीकों जैसे दीक्षा आदि कार्यक्रमों और होम बेस्ड शिक्षा के बारे में भी बताया जाएगा।
अगले बिंदु बताया गया है कि बच्चों का कक्षावार समूह बनाकर विभिन्न विषयों पर परियोजनाओं मॉडलों आदि को तैयार कराया जाएगा। बच्चों की परियोजना मॉडल कलाकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित की जाए, जिसमें बच्चों द्वारा अभिभावकों के सामने बच्चों के समूह द्वारा बनाई गई परियोजनाओं मॉडलों आकृतियों के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी। यहाँ अगले बिंदु में बताया गया है कि नृत्य, संगीत, नाटक, स्टोरी टेलिंग, पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिसमें माता पिता, अभिभावकों, समुदाय के लोगों, प्रभावशाली व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। बच्चों द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों का प्रदर्शन आमंत्रित लोगों के सम्मुख किया जाए। नेक्स्ट बिंदु जो कि काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिनांक 1 जुलाई से विद्यालय अपने नियमित समय अर्थात प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक संचालित होंगे तथा अध्यापकों द्वारा नियमित पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से संपादित किया जाएगा। अर्थात पूर्ववत जो विद्यालयों का समय होगा वो 8 बजे से 2 बजे तक का 1 जुलाई से होगा और पढ़ाई भी पूर्ववत होगी, जैसे पहले कक्षाएं नियमित रूप से चलती थी। अब दोस्तों यहाँ नेक्स्ट बिंदु में बताया जा रहा है कि ग्रीष्मावकाश के उपरांत सभी परिवारों का सर्वेक्षण कर 6 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चों को नामांकित कराने के निर्देश पूर्व में ही शासनादेश संख्या दिनांक की 11/5/2024 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। उक्त के साथ साथ दिनांक 28 जून 2024 से 15 जुलाई 2024 तक स्कूल चलो अभियान पुनः संचालित किया जाएगा, जिसमें निम्न गतिविधियां आयोजित कराई जाएंगी। इस क्रम में आगे बताया गया है कि विद्यालय के समस्त अध्यापक तथा सक्रिय एसएमसी सदस्यों द्वारा क्षेत्र के समस्त घरों में संपर्क स्थापित कर समस्त बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। ड्रॉप आउट अथवा आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूची बनाकर उनके माता पिता अभिभावक के साथ काउंसलिंग अंतर्वैयक्तिक संचार कर बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट बताया गया है कि जिला वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, विद्यालय अथवा अध्यापक द्वारा सोशल मीडिया पर स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों गतिविधियों को नियमित रूप से अपडेट और सूचनाएं पोस्ट की जाएंगी। साथ ही प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों, इस आदेश के लास्ट पेज अर्थात तीसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ बताया गया है कि विद्यालय द्वारा क्षेत्र में बच्चों की रैली निकालकर विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों तथा शत प्रतिशत नामांकन एवं नियमित उपस्थिति के लिए जनमानस को जागरूक किया जाएगा। मुनादी, उद्घोषणा एवं प्रभावशाली व्यक्तियों से स्थानीय स्तर पर अपील जारी कर नामांकन एवं नियमित उपस्थिति हेतु माता पिता, अभिभावक समुदाय को जागरूक व प्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट में बताया गया है, विद्यालयों में पीटीएम की बैठक आयोजन कर अधिकतर अनुपस्थित तथा ड्रॉप आउट बच्चों को कम करने पर चर्चा की जाएगी तथा ऐसे बच्चों के माता पिता, अभिभावकों से घर पर संपर्क स्थापित कर उनकी काउंसलिंग कर विद्यालयों में बच्चों की वापसी व नियमित उपस्थिति हेतु प्रयास किया जाएगा। अब दोस्तों, इस आदेश के लास्ट बिंदु में बताया गया है कि स्वयं सहायता समूह, माता समूह, क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन तथा नामांकित बच्चों की नियमित उपस्थिति में वृद्धि तथा ड्रॉप आउट को रोकने हेतु विद्यालय पर बैठक आयोजित कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाएगा। आपसे अपेक्षित है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों को अपने कुशल नेतृत्व में समयबद्ध रूप से क्रियान्वित कराने का कष्ट करें। भौदिया, कंचन वर्मा, मानदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों आइए इस आदेश की मूल बातों को हम देख लेते हैं कि इसमें मुख्य मुख्य बातें कौन कौन सी बताई गई हैं। दोस्तों इस आदेश के महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो यहाँ 25 जून को हमारे विद्यालय खुल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अध्यापकों के लिए ही खुलेंगे, बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 25 जून से 27 जून के बीच शिक्षक अपने विद्यालय परिसर की साफ सफाई का कार्य करवाएंगे, क्लियर। इसके बाद दोस्तों पड़ता है 28 जून, तो 28 और 29 जून, तो 28 जून को पहली बार विद्यालय में बच्चे आएंगे और 28 और 29 जून को समर कैंप की गतिविधियां विद्यालय में कराई जाएंगी। इसकी टाइमिंग जो होगी वो 28 और 29 दोनों दिन 7:30 बजे सुबह से 10 बजे तक की होगी, क्लियर। अब दोस्तों बात करें अगले महत्वपूर्ण बिंदु की, तो यहाँ पे 1 जुलाई से विद्यालय का जो समय होगा वो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का होगा, अर्थात पूर्ववत जैसे विद्यालय चलते थे वो नियमित संचालन होगा, समय 8 बजे से 2 बजे तक का। दोस्तों इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि डीबीटी के अंतर्गत जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का, अभिभावकों का डाटा फीड करना है और उनके आधार का सत्यापन करना है, इसके संदर्भ में आदेश दिया गया है। इसके अलावे हमारे विद्यालय में जो MDM पंजिका है, छात्र उपस्थिति पंजिका है, इन दोनों पंजिकाओं का डिजिटल रूप ही स्वीकार्य होगा। 25 जून 2024 से उपस्थिति पंजिका और MDM पंजिका को डिजिटल रूप में ही व्यवहित करने के आदेश इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट मिनट की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि 28 जून 2024 से 15 जुलाई 2024 तक स्कूल चलो अभियान को पुनः संचालित किया जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण, वो ये है कि सभी परिवारों का परिवार सर्वेक्षण का कार्य करना है, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का 100% नामांकन विद्यालयों में कराने के आदेश भी दिए गए हैं। तो दोस्तों ये रहे इस आदेश के महत्वपूर्ण बातें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।